आज हम बनाएंगे बॉडी इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, जो कि आप अपने घर में रखे कुछ सामान से ही बना सकते हैं। अगर आपको सीजनल जुखाम है, फीवर या कफ जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप यह काढ़ा बनाकर पीजिए। बहुत ही बेहतरीन घरेलू नुस्खा है। नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल रीता गुप्ताज किचन। चलिए शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। 2 गिलास पानी, 10-12 काली मिर्च, काली मिर्च को क्रश कर लेना है, 4 लौंग, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून काला नमक, थोड़ा सा गुड़, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 2 तेज पत्ता, छोटा टुकड़ा अदरक का, अदरक को ग्रेट कर लेंगे, जायफल इसे भी हमको ग्रेट कर लेना है, छोटी स्टिक दालचीनी इसका पाउडर बना के लेना है, 8-10 फ्रेश तुलसी की पत्ती, तुलसी की पत्तियों को थोड़ा तोड़ के उसमें ऐड करेंगे। अब हम काढ़ा बनाते हैं। 2 गिलास पानी डालेंगे और प्लेट से ढक देंगे, जिससे पानी जल्दी गर्म हो जाए। पानी में तेज पत्ता ऐड करेंगे, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। अब अदरक ऐड करेंगे, ये खांसी में आराम दिलाता है और ये अगर जी मिचला रहा है तो उसे रोकने में हेल्प करता है। तुलसी ऐड करेंगे, तुलसी में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जो कफ कोल्ड में रिलीफ देती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है और दर्द बुखार में भी आराम दिलाती है। अजवाइन हमें बॉडी पेन में रिलीफ दिलाती है, बॉडी को गर्म रखती है और साथ ही साथ गैस ना बने इसमें भी बहुत हेल्प करती है। काली मिर्च ये कोल्ड कफ और साइनोसाइटिस में भी आराम दिलाता है। अब लौंग ऐड करेंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर है। अब हल्दी ऐड करेंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करता है। दालचीनी ऐड करेंगे, ये हमारे सिर दर्द और कॉमन कोल्ड को कम करता है। जायफल ऐड करेंगे, ये स्ट्रॉन्गली एंटीबैक्टीरियल है और इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। काला नमक ऐड करेंगे, ये हमारे पाचन में सहायक है। गुड़ ऐड करेंगे, इसमें आयरन होता है इसलिए खून बढ़ाने में ये सहायक है। ये काढ़ा पीकर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको पीने के बाद आधा घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, ताकि ये अपना असर अच्छे से आपके शरीर पर कर सके। और इसके साथ ही आपको ठंडी चीज़, ठंडा पानी अवॉइड करना है और भरपूर नींद भी लेना है। अब ये काढ़ा बन गया है, इसे छानकर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसे आप 2 टाइम खाने के बाद पी सकते हैं, बट मुझे यहाँ 3 लोगों को पीना है, इसलिए मैंने यहाँ कप में सर्व कर लिया है। मेरे बताए हुए काढ़े को ज़रूर बनाकर पीजिए। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर सर्दी जुखाम खांसी से बचाने वाला काढ़ा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट करके बताएं। न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।